अरे यार मैंने अपनी मम्मी जी ने दोनों ने हम बैठे हुए हैं, अब देख रहे हैं नंबर का इंतजार आने वाला। मौसी जी बैठी हुई तो नंबर जो बहुत देर में नंबर आवे, एक घंटा तो चप्पल आगे पैर की देखिए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और गाइस अभी जो है एकदम मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी जा रहे हैं हम दवाई लेने के लिए, मैं और मम्मी जी। सत्यम तो गया अभी स्कूल में, गोपाल गया बाहर गाड़ी लेकर के, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तब तक खा लेते हैं गाइस खाना, उसके बाद गाइस मैं और मम्मी जी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को भी आ गया बुखार और गाइस मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ दवाई खा खा करके। और फाइनली है वो बड़े डॉक्टर के पास चलते हैं फिर वहीं पर जो है। तो क्या करें नीतू जी, खाना बना लेके आओ, मुझे भूख लग रही है बहुत। लेके आ रहा हूं सो नेक्स्ट सो जाने। तो रील बनाओगे? रील अभी एक रील्स बनाएंगे। तो गाइस अभी एक रील बनाने के मूड में ही है तो इनके लिए एक रील बनवाते हैं पहले। फाइनली सोम जग चुका है और रूट गया। रूट मत यार, सोम बहुत जल्दी रूट गया। तो रूट सके वो अभी आ रही मम्मी, रोटी लेके आ रही, खाना लेके आ रही मम्मी। और ये रूट गया भाई, आ जा, चल आ जा, रूटते नहीं, आ जा। सोम जो है रूठेला हो गया है, मन मन पल पल पर हंसा दिया। रूठते नहीं है, आया तो खाना खाएंगे अब। खाना मम्मी खाना लेके आएगी, ठीक है? खाना खाओगे? खाओगे, चल अम्मा रूठी आ लो। रूट देर हो जाती है। सोम के जो बाल है जो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। अभी नहीं, थोड़ा नहीं, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तब कटवाएंगे, तब तक और बड़े हो जाने दें क्योंकि जो है गर्मी जब ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो पसीना बहुत भयंकर तरीके से, तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा कहा है रोमा से, अभी खाना आ रहा, खाना खाएगा फोम को खाना। अरे पास आ चुका है खाना, खाने में है बाजरा की रोटी साथ में गेहूं की, और ये रही यहाँ पर आलू की सब्जी। और फोम क्या खाएगा बता, फोम बाजरा की रोटी खाएगा, बाजरा की रोटी है बाजरा की। अब गेहूं की खा तो गेहूं की खा ले, फोम का मन करेगा फिर खिलाऊंगा, ठीक है? तैयार है बस आओ, चलो चलना है 2 मिनट में। तो गाय जो मम्मी तैयार हो चुकी है, मैं भी जा रहा हूँ। क्यों रो रहा है तू, चलेगा साथ में? हाँ। ले जाऊं? चल तू यही रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। बताओ वो खाएंगे हम, क्या खाओगे? तुझे खाएंगे ब्रेड पकौड़ा, एक फोम खाएगा, एक फत्तेम खाएगा, और तुम खाओगे ब्रेड पकौड़े। अच्छा ब्रेड पकौड़े खाए, फिर मैं क्या खाऊंगा? रसमलाई फर्दी हो रही है, रसमलाई सही नहीं है, ठंडी होगी रसमलाई। सोम के लिए लेके आऊंगा, सोम के लिए। तो गाय चलते, मैं दवाई लेने के लिए आ रही हूँ, मम्मी जी भी आ रही साथ में। तो मम्मी जी हमारी तैयार हो गई है, तो चल रही पेड़। सत्यम क्या कर रहा है तू, स्कूल से आ गए पंखे पर, ये टोपा ये किसने ये टांग रहा है? देखो ऐसे ये आनंद आ रहा है, खटिया पर लड़के और लकड़ी लेकर के टोपा टांग दिया। अब क्या लगा के आ गया स्कूल में, ये भी आ गया, तू भी टांग दे। सत्यम इधर बात सुन, मेरी बात सुन, तू क्या खाएगा बता, क्या लेके आऊँ इस बंदे बाजार से, क्या लेके आऊँ बता, बाजार से क्या लेके आऊँ खाने के लिए, क्या जल्दी बता। फतन सोच रहा है, सोचने दो, बता जल्दी। वो यार कढ़ाई बस बस कढ़ाई। देख गोपाल तो खाएगा ब्रेड पकौड़ा, नीतू ब्रेड पकौड़ा खाएगी, नलाई ब्रेड पकौड़ा खाएगा, समोसा तो फतन के लिए समोसे ले। सोम जो घर से भाग के आ गया। सत्यम देख कहाँ जा रहा, देखो नंगे नंगे पैर भाग के आ रहा, मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। भाई ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई पता नहीं, अगर इसको नहीं पकड़ा तो घेरे में भी जा सकता है और फड़क पे भी जा सकता है। बाहर सोम को यहाँ पर पकड़ लिया, अब मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ घर, नहीं तो ये घेरे में जाता और फिर जाता फड़क पे। अरे लेंगे नहीं। तो सत्यम खा रहा अभी रोटी अपनी मम्मी के हाथों से, और फोम में आ गया, फोम को खिलाओ। तो नई चप्पल लेके आऊंगा, डिग्गी में का रख के आ गया, वो पुरानी नहीं लेके आऊंगा। चल मैं चलने को तैयार हुआ तो सोम भी बोला मैं भी जाऊंगा। कहाँ जाओगे, कहाँ पीछे चला, पीछे आगे गोपाल बांधे आ जाओ, तो आ जल्दी, आ जाए भीतर करते मम्मी, जाए जल्दी, लेट मत हो, जा भीतर जा, तू भीतर चल जा। दिल्ली गाय हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ, अपनी जो है गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया है। अब चलते गाय पहले पर्चा बनवाते हैं, भाई हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखते कितनी देर में नंबर आता है, 2 से 3 घंटे तो मानी पड़ो। तो गाय अभी जो है मैं पर्चा बनवा रहा हूँ मैं अपना और मम्मी जी का, तो उसके बाद चलते हैं दवाई देते हैं डॉक्टर के पास। लौंग डालने के बाद का खांसी जो है सही हो जाती है, लौंग जैसी ख़त्म हो गई फिर से चालू। तो ये रही लौंग, जो पर्चे यहाँ पर हमारे दोनों बन चुके हैं मेरे और मम्मी जी के, अब चलते हैं डॉक्टर के पास क्योंकि डॉक्टर ने जो पर्चा को लगा दिया है, मैंने अपनी मम्मी जी ने दोनों ने, हम बैठे हुए हैं, अब देख रहे हैं नंबर का इंतजार आने वाला है, तभी हम जाएँगे। अल्ट्रासाउंड करवा दूँगा,
पता करवा तो करवा ले मैं बाद मत गई हो जो दिक्कत हो परेशानी बता दियो। दवाई मुझे यहाँ पर जल्दी से मिल चुकी है क्योंकि नाच जो है टाइम नहीं लगा, जल्दी से नंबर आ गया हमारी मम्मी जी का भी और मेरे दोनों दवाई ले ली। अब चलते कहाँ चले मौसी घर है? हाँ मौसी घर चले तो गाय जा रहा है अपनी मौसी के घर पास में। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जो है फ्री कैंप लग रहा है चेकअप के लिए, तो यहाँ पर जो है चेकअप देख सकते चल रहा है मस्त तरीके से। बहुत सारी लेडीज यहाँ पर बैठी हैं, मम्मी जी आ गई, मैं भी आ गया हूँ, मम्मी जी यहाँ पर मौसी जी बैठी हुई है। तो नंबर जो बहुत देर में नंबर आवे एक घंटा। तो गाय अभी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं और मम्मी जी यहाँ पर सामने बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब नंबर आने वाला फ्री चेकअप का। बबली भी बैठी हुई है। बबली तेरे बच्चा बना हुआ तो पीछे गाय बहुत सारी लेडीज की भीड़ लगी हुई है, तो देखते हैं कितनी देर नंबर आने वाला है। फाइनली जो है चेकअप हो चुका है अपनी मम्मी जी का यहाँ पर, और मम्मी जी को जो कुछ नहीं निकला, मान ली सिर्फ जो शुगर निकला। क्या निकला? शुगर। हाँ बस शुगर ही है, कुछ नहीं है। मम्मी का हड्डी चेक हो रहा देख सकते हैं मस्त। हमने जो दवाई भी ले ली यहाँ पर मेडिकल से और साथ में ऑपरेशन से दवाई ली। मम्मी लो डेरीफाई दवाई आएगी तुम्हारे लिए, ये रही दवाई और मोबाइल दवाई, दोनों दवाई खानी है ठीक है। चले हमें लग रही है काफ़ी चीज़ें अभी भूख, तो हम जा गए हैं यहाँ पर गोलगप्पे की दुकान पर और गोलगप्पे खाते हैं मैं और मम्मी जी दोनों। मम्मी जी भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। तो हमें दो टिक्की यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया, दो टिक्की बन रही है हमारी एकदम गर्मा गर्म कराही टिक्की मस्त तरीके से, अभी सिक रही है बढ़िया करके। बन के हमारी आ चुकी है एकदम मस्त तरीके से मम्मी के लिए यहाँ पर खट्टी चटनी डरवा गया खा लो ना। नहीं यहाँ पर टिक्की बन चुकी है देख सकते हैं कितनी मस्त लग फुला फुला ये टिक्की। गाय में आ चुका अभी बाजार में सत्यम की जो चप्पल लेने के लिए, उसका फोन आया पापा जो है चप्पल लेकर के आना है, तो मम्मी जो है चप्पल ले रही है सत्यम के सामने। अभी जो चप्पल लेते हैं पहले फोन में लगे पूछ लो कितना उसका साइज है नाप है। मैंने जो फाइनली यहाँ पर जो सत्यम के लिए ये वाली चप्पल ले लिया पबजी वाली, ये जो मैं पैक करवा रहा हूँ। बोला पापा ये वाली चप्पल लेके आना है, गेट गोल सत्यम रो रहा था चप्पल के लिए, चाचा चप्पल लेके आए पापा चप्पल लेके नहीं आए। तो चप्पल आगे पैर की देखिए तो पैर की दे, और इसमें चप्पल है गाई रो रहा था, बोला पापा चप्पल लेके आना मुझे चप्पल लेके आना, क्यों गाई सत्यम को जो है ये वाली चप्पल पसंद आ गई है। और क्या खाओगे सत्यम कुछ खाओगे? हाँ इसे निकाल ले। और मम्मी सही बनी है बिल्कुल फिट बनी है फिट 10 नंबर है। हाँ इन्हें निकाल के देख। तो सत्यम के लिए यहाँ पर जो है देखो फ्रूटी भी आ चुकी है छोटे वाले बाबू के लिए, ब्रेड भी आ गए हैं चप्पल ही चलो। तो गाय चप्पल जो फाइनली बिल्कुल फिट बैठी है गोपाल देख सही है। हाँ सही चप्पल सत्यम की चप्पल बन गई ठीक है। अब फोम के लिए जो है मैं क्या लेके आया फोम के लिए फ्रूटी लेकर के आया, फ्रूटी फोम फ्रूटी पिएगा और उसकी मम्मी फ्रूटी ओए अपना पीना स्टार्ट। और फतम की ये नहीं चप्पल, फतम तेरी चप्पल ये वाली है पी ले पी, पीना नहीं जानता नवादा जी। पीना स्टार्ट हो गए देखो कोई फ्रूटी पी रहा है तो कोई चप्पल देख रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा भाई। हम तो सोच रहे हैं कि अपनी दवाई खा लेंगे। आपने गाय मेरा पिछला ब्लॉग भी देखा होगा, इससे पहले बहुत सारे ब्लॉग मैंने बनाए गाय में दवाई खा खा के परेशान है, दवाई खा खा के कितनी सारी चप्पल लेके आऊँ, बहुत सारी चप्पल लेके आ जाऊँ तुम्हारे लिए भी मम्मी के लिए। हम जो है बिस्कुट खा रहा है और परोठा भी आ चुका है। चटनी तुम्हारा चटनी चटनी से नहीं खाएगा ऐसे खाएगा रू भाई? यहाँ पर जो नीतू जी इसको परोठा खवा रही है चटनी खा रहे चटनी। तो परोठा लेकर के आ चुका है ये ब्रेड, चटनी लेके आया चटनी मीठी से खट्टी तो लिया खट्टी वाली खट्टी मीठी दोनों लिया जा सत्यम मित्र लिए। हमारे पास आ चुकी है प्याज की चटनी और साथ में ये रही मीठी चटनी और ये रहा ब्रेड। सोम को ये आधा मुझे दे दे बाकी सोम खिला दे ठीक है, आधा मुझे दे दे लाओ भाई। रे भाई कोई ना कोई काम खराब करता ही रहेगा, देखो छत पे आ गया, मुझे डर था मैं कमरे में आराम से लेटा था और जैसे ही देखो यहाँ पर आया तो सबसे पहले इसने बाल्टी फक्की और इसका कोई पता ही नीचे टपक पर है चल बल क्योंकि आया मम्मी जी के साथ, मम्मी कह रही कल उधर करना चल बल चलो ए नीचे आएगा नीचे नीचे आएगा ध्यान चला आएगा भाई नीचे आएगा फोन मैं छोड़ दे रहा हूँ ठीक है चल इसमें जा जा इसमें पांडा पांडा ने कोशिश कर रहा देखो भाई ये बंदर है बंदर बंदर नहीं होता मंकी वो वाला मंकी है ये ऊधमी मंकी ने कोशिश कर रहा है पाँव फंसाने की मम्मी जा में अंदर लग जाए हट जा फंस जाएगा पाए फिर नहीं लग रहेगा इसमें रोग फिर तुम मेल करना फिर दिखा रहा हूँ मैं तुम देखेगा देख देख रहे हाँ खेलेगा होता खेले होता भाई इसमें क्या जा रहा है इसमें जा रही लाइट सूर्य लाइट जा रही है जो इसी लग रही है सामने सत्यम बालक फोन दे बालक नाच रहे देख फोन देख अरे दा देख दे बालक नाच रहे देख ले फत्यम कहाँ फत्यम कहाँ फत्यम कहाँ फत्यम कहाँ मारो भाई फत्यम जो बुग्गी के ऊपर चढ़ गया देखो मैं जूम कर दिखा रहा हूँ देखो वो खेल रहा बच्चों के साथ और फूजा के साथ खेल रहा देखो बोरा और गिर जाएगा है वो देखो मम्मी उड़ रही देखो कहाँ पहले अरे जा जा
अब वो गिरा दिया था बच्चा, फिर क्या करता तू? ये ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर जो दो बच्चे थे और ये फतेम तो इतना तेज है नहीं और धक्का मारते थे, फिर क्या गिर जाता है? नीचे चप्पल पर घूम आए हैं, अच्छी लग रही है फतेम। अब खाते हैं खाना, शाम के बज रहे हैं 8 और हमारा सोम जगह बिगड़ चुका है। अपनी मम्मी जी को जो है रोटी नहीं करने दा है। मम्मी जी फायदा है दवाई में, आराम मिल गया दवाई खा के। तो मम्मी जी को जो आराम मिल गया दवाई खा के, क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थी, कंधे में दर्द हो रहा था और चेकअप में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं लिख रही है, थोड़ी सी परेशानी है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, तो उनको जो आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एलर्जी वगैरह सब्जी वगैरह होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है खाने में? है आलू टमाटर सब्जी, साथ में अभी जो बना है मठा के आलू और ये रही मूंग की दाल और गाय रोटी, तो यहाँ पर जो बनी नहीं है अभी, एक ही रोटी है बने काफे, खाई रोटी बने काफे। फोम ने पहले अपनी मम्मी को घेर लिया तो रोटी बनाई काफे। मम्मी जी भी यहाँ पर दोस्तों खा रही है मेरे साथ, एकदम खाना खा के मस्त रेडी हो गए। अभी देखो मैं जा रहा था छत पे, तो यहाँ पर देखो सोम क्या कर रहा है, जो है बाफन रखने वाली टोकरी, इसमें आराम से बैठ गया देखो मस्त तरीके से, और उसकी मम्मी जो है बाफन मार रही है सोम को। सोम ने अपनी जुगाड़ बना ली है आराम से बैठने की, अब जब तक नहीं जाएगा, जब तक इसकी मम्मी नहीं आएंगी तब तक देखो यहाँ पर खेलता ही जाएगा। ए फिर बैठ गया, बैठ नहीं, बैठ सोम, बैठ बैठ बैठ। सचम को वहाँ बुलाने के लिए, सचम देखो यहाँ पर मोबाइल देख रहा है घंटे से, चलेगा नहीं, सोएगा नहीं, सोएगा नहीं, ऊपर मैं भी जा रहा हूँ भाई, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया, रात के बज रहे अभी 10 और फोन जो अभी तक नहीं सोया, देखो गाने देख रहा है अपनी मस्तूल से गाने। तो गाइस आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले, चलेगा जे नहीं जाएगा बाफर रखवा के ही आएगा, बाफर रखवा के यू, ठीक है अंदर आराम से मम्मी के साथ आना, ओके बाय बाय।